मुक्तसर थाना सिटी पुलिस की तरफ से आज अबोहर रोड बाईपास पर अचानक छापा मारा गया। इस दौरान गली में खाली पड़े एक खंडर घर में सरेआम अनार बम पटाखे आदि बनाए जा रहे थे। वर्णन योग्य है कि इस जगह पर चल रही देसी पटाखे बनाने की इस फैक्ट्री संबंधित कोई भी NOC प्रशासन से नहीं ली गई और ना ही कोई लाइसेंस है। इस रिहायशी इलाके में औरतें और मर्द घर के अंदर सरेआम पटाखे बना रहे थे। घर के अंदर से बारूद भी मिला है और पटाखे बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। इस दौरान पटाखों पर लेबल भी लगाए जा रहे थे। वर्णन योग्य है कि पटाखा फैक्ट्री के लिए जरूरी आग बुझाव यंत्र आदि भी इस जगह पर नहीं था और फैक्ट्री पूरी तरह से रिहायशी इलाकों में चल रही थी। इस दौरान मौके पर थाना सिटी SHO तेजेंद्र पाल सिंह पुलिस पार्टी समेत पहुंचे और उन्होंने इस मामले की जाँच शुरू की। छापेमारी करके रिहायशी इलाकों में चल रही गैरकानूनी पटाखों की फैक्ट्री पकड़ी है। इस मामले में संबंधित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। गीदड़वाह से आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए सोनी धल्ला की रिपोर्ट। एक्चुअली हम त्यौहार का दिन आ गया, दिवाली नेड़े आ रही, दशहरा नेड़े आ रहा है, ये करके पटाखों की यूजेज वधी है। तो ये बारे अच्छ पता लगे भी जो दलीप कुमार दुल्ला वाजदा अबोर चौंक है जरा तो जीवन नगर मॉड रोड वालू जाते हैं, जीवन नगर है उत्थे इन्हें घर के पता लगे भी उत्थे जरा बनाया हुआ सगा पटाखे वेचण वास्ते छोटी जी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के काफ़ी समान अच्छा ये को जरा असी फड़िया। मुखबर खास की इतलाह सी तो पटाखे वगैरह कच्चे भी कुछ पे आ जोड़े तैयार कर रहे, कुछ रेडी जोड़े बहरले जड़े ने मार के ला ला के सेवाकाशी के वो डब्बे भी पैक बरामद हुए हैं जोड़े इन्हें इतने खुद तैयार किए हैं। तो इस चीज़ का ये कोई लाइसेंस नहीं है, ये खिलाफ़ जी बनती कानूनी कार्रवाई की जा रही है।